आपका क्वेश्चन है असर्शन। इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में है 0 डिग्री लेस देन ए लेस देन 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज 2√2/3। रीजन उसने दिया है फॉर एवरी एंगल टीटा साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। और यहां पर आपके ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप रीजन को देखो। तो रीजन में इसने क्या दिया है देखो, आइडेंटिटी दैट मीन्स इट्स ट्रू, तो ये आपका ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इसने दिया है साइन ए इज इक्वल टू 1/3 है ना, और साइन हमारा क्या होता है अपोजिट बाय हाइपोटनस, तो ये हो गया आपका अपोजिट और ये हो गया आपका हाइपोटनस। तो अभी आपको निकालना है अर्जसेंट, क्योंकि उसने नेक्स्ट बोला है कॉस। तो देखो ये कैसे हो जाएगा आपका, दिस इज योर ट्राइंगल है, सपोज दिस इज योर एंगल ए, ये वाला दैट मीन्स थीटा, तो इसका अपोजिट इज 1 एंड 3 इज हाइपोटनस। ये आपको ये निकालना है पहले, तो देखो क्या होगा, हाइपोटनस स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस ये वाला दैट इज अर्जसेंट है ना, तो अर्जसेंट स्क्वायर 1 को इस साइड में लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 9 - 1 इज इक्वल टू अर्जसेंट स्क्वायर। तो अर्जसेंट क्या हो गया आपका, अर्जसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो अर्जसेंट इज √8, तो 8 के फैक्टर्स निकाल ले तो आपका क्या आएगा, √2 × 2 × 2, तो अभी पेयर बनाओ, जो पेयर है वो बाहर आएगा रिमेनिंग अंदर रहेगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा देखो 2√2, ये आपका हो गया अर्जसेंट। अब नेक्स्ट इसने दिया है कॉस, तो आपको कॉस, कॉस हमारा क्या होता है, कॉस ए इज अर्जसेंट बाय हाइपोटनस, तो अर्जसेंट इज 2√2 बाय हाइपोटनस इज 3। तो देखो यहां पर इसने क्या दिया है, सेम वैल्यू दैट मीन दिस इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ट्रू है, और एक में उसने बात किया है साइन की, दूसरे में बात किया है कॉस की, और हमारी आइडेंटिटी भी वही बोल रही है, तो दैट मीन्स ए इज योर ऑप्शन। तो ए ऑप्शन में देखो क्या दिया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, दैट मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है,